A very good morning, lovely children. So here we are going to start a new lesson, that is number 24, and this is the last lesson of the EVS, and the lesson name is Wave of Life. So what is Wave of Life? Okay, before we go to Wave of Life or the word wave, let's see. You know very well that in nature, in environment, ठीक है, जहाँ भी हम रहते हैं ना, उसके चारों तरफ क्या है, जो भी है वो सब environment है, they all are nature. In nature, we see different natural and man-made things. Natural things में क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें natural things में, like plants, animals, sun, rain, wind, है ना, all are natural things. Natural things, फिर से आप क्या कह सकते हो, natural things में क्या होते हैं, कुछ living things होते हैं, कुछ non-living things होते हैं. अभी हम living things और non-living things के बारे में बात करेंगे, है ना. उसके बाद आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे पे dependent होती हैं, they are interdependence in the environment, okay, and this interdependence of these things makes wave of life, ठीक है. आपने wave देखा होगा, जो मकड़ी का wave होता है ना, अभी दिखाएंगे आपको. So let's see, let's do some question answer first, and then we'll start our lesson from your book. So you'll note down all these question answers in your notebook in good handwriting. So first question is there, what are our basic needs? है ना, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हमें क्या चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए, बेसिक क्या हो चाहिए हमें. तो आंसर में भी आप यहाँ पे लिख देना आंसर, ठीक है. एंड आंसर में भी लाइक नंबर वन, वी ऑल नीड फूड टू लिव, है ना, हमें तो भोजन चाहिए ना, फूड चाहिए. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, तो कितना जरूरी है ये, ठीक है. वी ऑल्सो नीड क्लोथ्स टू वेयर एंड हाउसेस फॉर शेल्टर, है ना, हमें कपड़े चाहिए और एक मतलब क्या, हमें मकान भी चाहिए. तो ये हमारे हैं बेसिक नीड्स हैं, ये आप नोट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, यस, अभी हम बात कर रहे थे ना नेचुरल थिंग्स में, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू दैट व्हाट आर लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे कर लेना आंसर, ठीक है. एंड देन यू कैन एड द आंसर लाइक दिस, थिंग्स विच ग्रो, मतलब बढ़ते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, breathe, need food, and give birth to young ones are called living things, है ना. तो ये चीज़ें आप समझ लो, जो breathing करते हैं, जिनको food चाहिए, जो young ones को birth देते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर move करते हैं और वो grow करते हैं, they all are living things, like plants and animals, है ना. Yes. Now next question is there, what are नॉन लिविंग थिंग्स. नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ लिविंग थिंग्स. ये लाइक, यू कैन एट द आंसर लाइक हेयर, ये दैट इज थिंग्स विच डू नॉट ग्रो, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ब्रीथ, नीड फूड एंड गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है. बस आप क्या करना है, सामने क्या करना है, डू नॉट लगा देना है, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें नहीं होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स में. लाइक एग्जाम्पल्स आर देयर, एयर, सनलाइट, स्टोन, पेंसिल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आपके बुक्स हो गए, टेबल्स हो गए, फैन हो गए, ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. सो दिस वॉज अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. दे आर नेचुरल थिंग्स ना, येस, मैन मेड थिंग्स आर ऑल्सो देयर, एंड ऑल दिस थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंस, ओके, एंड देयर इंटरडिपेंडेंस मेक्स वेव ऑफ लाइफ, ठीक है. वेव में क्या होता है, सब कुछ जुड़ा होता है एक दूसरे से, वही होता है वेव ऑफ लाइफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, यस, इसको आप कट कर देना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कट कर देना, कुछ नहीं कर, नंबर टू नहीं करना है. एंड यू विल राइट हियर आंसर अगेन, व्हाट इज क्वेश्चन, लेट्स सी, योर क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द वेव ऑफ लाइफ. देखो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आ गए अपने. नाउ यू नो वेरी वेल दैट, अभी हमने बात किया ना, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर लिंक्ड टू वन अनदर एंड डिपेंड ऑन वन अनदर, ठीक है, सब चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है. तो ये नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में जो डिपेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वेव ऑफ लाइफ. अब आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ठीक है, आपके बुक में भी एक पिक्चर बना होगा ना, जो उसके बारे में हम कल बात करेंगे, आपको दिखा देते हैं वो, हम इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है, ये वाली पिक्चर, ठीक है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे. इस पिक्चर से आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, ठीक है. सो आपने देख लिया वेव ऑफ लाइफ क्या होता है, इसका डेफिनेशन नीचे आंसर लिखा हुआ है. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन, फॉर्म अ वेव विच शोज द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक आवर हाउस, ठीक है. तो यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि एक वेव बनाने के लिए, किसी भी तरह का, मान लो घर बनाने के लिए, ऐसे फूड का भी वेव होता है, फूड वेव, ठीक है. तो ये आपका क्या है, टू मेक अ हाउस व्हाट यू नीड, लाइक
फर्स्ट यूनिट रेन, ठीक है, रेन व्हाट प्रोवाइड्स, रेन प्रोवाइड्स वाटर, एंड देन सॉयल, सॉयल तो हमारा नेचुरल थिंग्स है, तो सॉयल देखो, सॉयल से क्या मिल, सॉयल प्रोवाइड्स क्ले, है ना। नाउ ये जो वाटर और क्ले है, ये क्या होता है, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, ब्रिक्स, ब्रिक बनेगा ना। एंड नेक्स्ट ट्रीज, ट्रीज आर ऑल्सो देयर, दे प्रोवाइड्स वुड, ठीक है, बिकॉज टू मेक अ हाउस वी नीड ब्रिक्स, वी नीड वुड, एंड देन सॉइल से क्या होता है, सैंड, और सैंड से भी क्या होता है, सैंड से हमारा ग्लास बनता है, एंड ग्लास इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर टू मेक अ हाउस, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो, दे ऑल आर लिंक्ड टू वन अनदर, सो दिस इज अ वेव फॉर, वेव टू मेक अ हाउस, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे वेव बना सकते हो, आपको बाद में अभी क्वेश्चन मिलेंगे कल के क्लास में। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ वेव, ठीक है। वेव मतलब जाल, जाल मतलब जब जब जो सब कुछ जुड़ा होता है एक दूसरे से। जैसे एग्जाम्पल देख लो वेव का, ये देखो, ये मकड़ी का जाल देखा है आपने, वेव है ना, ये क्या होता है, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। ऐसे यहाँ पे जो आप वेव बनाते हो, क्या है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो भी मटेरियल चाहिए इस चीज़ के लिए। तो दिस वेव इज फॉर अ हाउस, हाउ टू मेक अ हाउस देयर, ओके। सो दिस यू कैन ड्रॉ इन योर नोटबुक। नाउ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स, इट्स वेरी इजी, आपने जो भी पढ़ा ना उसके बारे में ही है। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट आर नॉन लिविंग थिंग्स, अ हाउस इज मेड ऑफ वुड विच कम्स फ्रॉम ट्रीज, ठीक है। जो हाउस वुड का बना होता है उसमें वुड कहाँ से आते हैं, ट्रीज से आते हैं ना, तो ट्रीज और वुड और हाउस सबके एक दूसरे से डिपेंडेंस हैं। ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम वाटर एंड क्ले, वी गेट क्ले फ्रॉम सॉयल, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये बस एक्सरसाइज के लिए, आप इसको नोट कर लेना। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और रेन, एंड नेक्स्ट इज वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, ओके। सो दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी नोट कर लेना आप। नाउ लास्ट वन इज देयर, मैच द फॉलोइंग, इट्स वेरी इजी। लाइक सम थिंग्स आर देयर, लाइक प्लांट, सनलाइट, एनिमल्स, वाटर, एयर एंड माउंटेन्स, यू हैव टू डिस्क्राइब वेदर दे आर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो सामने लिखा हुआ है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, सनलाइट नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स लिविंग थिंग्स, वाटर नॉन लिविंग थिंग्स, एयर नॉन लिविंग थिंग्स, माउंटेन्स, माउंटेन नॉन लिविंग थिंग्स, लाइक दिस, ओके। सो यू कैन नोट डाउन ऑल दैट इन योर नोटबुक। So this was for today in ABS. Okay, thank you. Take care.